अमूमन तो हमारे पाँव बोलते हैं लेकिन इतने बड़े मंच में से बोलने के लिए कहा जो मेरा क्षेत्र इतना नहीं है किसी दिन पाँव को ज़रूर सुनाऊंगी आपको और आपको पता चलेगा पाँव कैसे बोलते हैं सुरेश जी आपको ज़रूर बुलाना है <laughs> अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग वियतनाम और कम्बोडिया में इनवाइटेड थे जी ट्वेंटी के इनाग्रेशन में हमारे प्रधानमंत्री ने हमको कहा कि आप जाके वहाँ इनाग्रेशन करिए छब्बीस कंट्री के डेलीगेट्स आए हुए थे और जब हम हमारे पेशेंट हैं कि अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हम लोग ज़रूर यूनिवर्सिटी कॉलेजेज़ स्कूल्स में जाते हैं हमने उनका ऑडिटोरियम देखा बहुत अच्छा लगा आज मुझे लग रहा है ये ऑडिटोरियम मुझसे भी अच्छा है किसी भी चीज़ की पहल अच्छी हो तो अच्छी होती है आप सभी का मेरे तरफ से हृदय से अभिनंदन और इतने अच्छे वातावरण में जैसे कहते हैं आज आपका फर्स्ट uh, क्या बोलते हैं उसको सत्र का आरंभ है पहला पहल है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पूरी ऊर्जा से पूरी अच्छे सोच से विचार से अग्रसर हों और इसी तरह से मुस्कुराते हुए अंतिम जब आप यहाँ से जाएं अभी ये जाना जाता है आप इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं एक समय आए ये यूनिवर्सिटी आपके नाम से जानी जाए मेरा ऐसा मानना है ईश्वर हरेक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उस पात्रता को पूर्ण करने के लिए कुछ अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बताऊंगी क्योंकि विषय बहुत अच्छा है और ये तो घंटों चलना चाहिए लेकिन समय की सीमा है और जितना समय मिले उतने में ही हमें पूरा करके इस संसार से भी और इस मंच से भी क्योंकि मंच को भी संसारी माना है ईश्वर ने हमारे अंदर जो पात्रता ढूंढते हैं वो हमारे लिए ही बनाई गई है संस्कार उसके पीछे प्रबलता लिए हुए होते हैं जिस राह में हम सोचते हैं वो हमारे लिए बनी नहीं होती है जिसे कहते हैं ना खिंचाव कहीं है जा कहीं और रहे है और वो उसी के सारे साधन जोड़ देता है और वो हमारे अनुकूल होती है और उसमें हमें दिशा मिलती जाती है मेरा एक छोटा सा परिचय हम दोनों साइंस स्टूडेंट थे मैं एथलीट थी और हमेशा चैम्पियन रही 12 ईयर्स जोनल चैम्पियन 6 ईयर्स नेशनल चैम्पियन और वॉलीबॉल बास्केटबॉल इस सब के मैं फर्स्ट तो कमल नहीं सेकेंड ईयर्स सेकेंड तो मैं फर्स्ट इस तरीके से हमारा चलता था तालमेल लेकिन ईश्वर ने कुछ और सोचा था हमारे भागते हुए पाँव को सुरले ताल में मेरे गुरु जितेंद्र महाराज जी ने अपने जो महाराज कृष्ण कुमार जी का नाम लिया मेरे गुरु जी के गुरु जी हैं कई बार गूगल बहुत भटका देता है इस हार्ड डिस्क से और इस लोकेशन से चलते हैं तो सही जगह पे पहुंच जाते हैं <laughs> तो हम कोशिश करते हैं कि इसी लोकेशन इसी हार्ड डिस्क से काम करें जब हम गुरु जी के सानिध्य में आए तो आपको पता है जैसे साइंस स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स को थोड़ा सा कम समझते हैं हम भी उसको कम समझते थे लेकिन साहित्य का संस्कृति से इतना गहरा संबंध है आप कहीं से भी छू लीजिए तो आपको लगता है कि उसका रस रह ही नहीं जाता अंग्रेज़ी का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हैं ना जब एक केन और एक शुगर केन केन से आप कितना भी रस निकाल लीजिए एक बूंद नहीं निकलेगा लेकिन शुगर केन से आप गिलास भरते जाइए आखिर फोकस में तो भी नहीं ख़त्म होता तो यही रस कई पूरा से सराबो साहित्य संस्कृति है हमारी और अंतहीन है जब मैं गुरुजी के सानिध्य में आई तो मुझे लगा कि ये पुरुष होते हुए इनके अंदर जो ये चीज़ें मेरे अंदर आनी चाहिए मैं परंपरा के बारे में बता रही हूँ कि, कि किस तरीके से आपके अंदर उतरती है किसी भी शिक्षा के चार चरण होते हैं एक अक्षर ज्ञान जो सभी क्षेत्र में होता है दूसरा होता है सानिध्य हम बहुत कुछ सानिध्य से सीख लेते हैं जैसे कहते हैं ना बिना सीखाए सीख गए परिवार हो गुरु जन हो अपना कोई ऐसा व्यक्तित्व लिए हो जो हमें अच्छा लगता है हम उससे भी सीख लेते हैं वो भी हमारा गुरु होता है दूसरा है अनुभव आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो जाए कितना भी ज्ञान हो जाए लेकिन अनुभवी व्यक्ति से ज़्यादा आपका ज्ञान काम नहीं कर सकता क्योंकि पुस्तक का ज्ञान और अनुभव का ज्ञान दो फर्क है और चौथा होता है संघर्ष जो आपकी पहचान बनाता है इस सबसे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी पहचान बनती है और शने शने ये आप इसको जीते हैं जब मेरा गुरु जी से सानिध्य हुआ तो उन्होंने जब हमको इस भागते पाँव को सुरल ताल की बंधन में बांधा तो मुझे लगा जैसे जीवन जीवंत हो चुका है उसमें जैसे कहते हैं दमी हो उसके अंदर आत्मा आ गई हो हमने कहा जीवन का ये भी एक मोड़ है ये भी एक चीज़ है जिसमें आप अपने अंदर की चीज़ सारी संसार की चीज़ सारा ज्ञान बाहर से अंदर आता है लेकिन कला और अध्यात्म अंदर से बाहर जाती है क्योंकि आपकी जन्मी हुई चीज़ है इसलिए आप शनि शनि उसको जब बाहर लाते हैं जब आपका उससे साक्षात्कार होता है तो आपको लगता है और वो साक्षात्कार गुरु ही करवाता है आपको लगता है अरे ये मेरे अंदर थी मैंने तो कोई किताब में नहीं ढूंढा जिन खोजा तिन पाइयाँ आप अपने अंदर खोजते हैं तब आपको पता चलता है मैं क्या हूँ तो गुरु जी ने हमारा हमसे साक्षात्कार कराया और जिसे कहते हैं भौतिकता के संसार से हम हट के अपने अंदर को खोज के एक ऊंचे स्तर के आसमान में उड़ने लगे हमें भौतिक चीज़ें अच्छी नहीं लगी क्योंकि आप किसी से क्या विचार लेंगे जिसके अंदर निर्जीव मुझे तो अपने क्लास के लोग भी निर्जीव लगने लगे क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर वो आर्टिस्टिक चीज़ नहीं थी मुझे कोई बुजुर्ग होता था जिसके अंदर बहुत कला का माध्यम होता था बहुत अच्छा कवि होता था उससे मुझे बात करना अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लगता था उसके अंदर आत्मा है उसके अंदर बात करने का सेंस है और अपने क्लास फेलो मुझे छोटे लगते चले गए क्योंकि जो कला संसार है वो इतना समग्र है कि उसके सामने और सब चीज़ बौनी लगती है आप जैसे जैसे हाइट में जाते जाते हैं ना तो ऊपर से प्लेन में ही देख लीजिए या ऊपर वाली मंजिल में तो नीचे की चीज़ छोटी नज़र आने लगती है यही ज्ञान और का सोच है कि जैसे आप मानसिकता से आप ऊपर होते चले जाएंगे आपको संसारिक चीज़ें छोटी लगती जाएंगी जीवन एक प्रश्न है मानव की चेष्टा उसका उत्तर ढूंढती है फिर हर उत्तर प्रश्न बन जाता है और हम खोजने लगते हैं व्याकुल हो जाते हैं क्या करें क्या ना करें ये करें वो करें या ये लें उसको दूसरों को देखते हैं जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत सी चीज़ें जोड़ ली लेटेस्ट मॉडल ले लिया सब चीज़ें ले ली उसको अपने जैसे कहते हैं स्टेटस सिंबल बना लिया लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते क्योंकि बाहरी चीज़ तो बदलती रहेगी हर दो दूसरे चौथे दो साल तीन साल बाद वो मॉडल चेंज होता रहेगा हमारी तृष्णा अंदर से हम भूखे के अंदर से हैं प्यासे अंदर से जोड़ भात से रहें इसलिए अतृप्त रहते हैं अंदर की तृष्णा को शांत करता है ज्ञान ध्यान अध्यात्म और कला साहित्य इसको जितना आप निकालते चले जाएंगे इसलिए तो कई बार आप साहित्यकार लोगों से मिलिए कलाकार लोगों से मिलिए तो आपको लगेंगे अरे खोए खोए से हैं क्योंकि उनको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं अंदर की दुनिया ही खोजते रहते हैं आपने ऊपर की पहाड़ी देखी एस्केवेट करी तो सोना भी मिलेगा कॉपर भी मिलेगा बहुत सी चीज़ें सारे खनिज पदार्थ आपको अंदर ही मिलेंगे तो अपने भीतर से जब बाहर आते हैं तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है हमने अपने आप को देख लिया गुरु सानिध्य जैसे कहते हैं ज्ञान मूर्ति गुरु आता है किसी को ध्यान मूर्ति गुरु स्वयं में है और चरण उनके वंदनीय हैं और उनकी वाणी है जो वो मंत्र है और मोक्ष मूर्त आपको तब प्राप्त होता है जब गुरु की कृपा आपके ऊपर होती है और ये कृपा के लिए हम हमेशा ये ढूंढते रहते हैं गुरु का सानिध्य हमसे बना रहे गुरु एक आपने अभी कुम्हार का उदाहरण दिया गुरु तो तराश के पत्थरों को भी ऐसी मूर्ति बना देता है उसके हाथ में छेनी लगती है खून निकलता है चोट लगती है लेकिन अपनी भावनाओं को उस पत्थर में उड़ेलना छोड़ता नहीं है क्योंकि उसके भावना है कि उस पत्थर को तराश के सामने लाए और यही गुरु है क्योंकि वो अपनी सोच से दूसरे को बनाता है अपनी सोच को ढालता और भारतीय संस्कृति में इस बहुत बड़ी चीज़ है कल मैं एक बहुत बड़े कॉलेज में यूनिवर्सिटी के लेक्चर दे रही थी मैंने यही बोला आप इंग्लैंड चले जाइए आपको स्टोन हैंस ले जाएंगे एक के ऊपर एक पत्थर रखें और कुछ नहीं हमारे हम्पी पे जाइए सड़क के पत्थर भी तराशे हुए हैं हम अपनी सकारात्मकता को सारा उसमें उडेल देते हैं और यही कारण है जो कलात्मक व्यक्ति होगा जो साहित्यिक व्यक्ति होगा वो अपने अंदर से इतनी पॉजिटिविटी रखता है हम जितनी देर स्वर लगाते हैं जितनी देर नृत्य करते हैं जितनी देर लिखते हैं जितनी देर लेखनी में डूबे रहते हैं हमारे शब्द अच्छे हों सुंदर लगें दूसरों को अच्छे लगे प्रभावित करें तो हम सत्य के साथ रहते हैं निरंतर हम ये नहीं सोचते कि जो हम लिखें दूसरे को बुरा लगे मेरी किताब एक भी ना बिके मैं जो नृत्य कर रही हूँ वो दूसरे को नहीं पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में हम जितने रचे बसे थे गुरु सानिध्य बहुत आवश्यक था गुरु सानिध्य में एक और बहुत अच्छी बात है देखिए अगर चाहते तो रामचंद्र जी और उनके परिवार के जितने भी भाई बहन थे विश्वामित्र जी को अपने महल में लाके उनसे शिक्षा ले सकते थे जब वो गुरु शिष्य परंपरा में उनके पास जाते हैं एक ही माहौल में रहते हैं एक ही परिस्थिति में रहते हैं और एक ही धेय, एक विचार एक लग्न से जब काम करते हैं तो उसमें बड़ा नीचा छोटा बड़ा कोई नहीं होता वो सिर्फ ये होता है कि इस लग्न से इस ध्यय से इस विचार से हमें अग्रसर होकर इसमें कुछ निचोड़ निकालना है और गुरु से सानिध्य जो है आपको विद्या विवेक ही नहीं देता जो आपकी बुकिश नॉलेज है जो आपकी आजकल मीडिया से दूसरे माध्यम से नॉलेज लेते हैं कंप्यूटर से या किसी से वो विवेकहीन है ज्ञान देती है विवेक नहीं देती है इसलिए आप जब विवेक नहीं होता आपके अंदर अहंकार आता है गुरु के समक्ष आप जितनी बार झुकते हैं प्रणाम करते हैं उनसे लेते हैं सूर्य के सामने खड़े होकर हजार बल्ब जलाई तो लोग सोचेंगे बेवकूफ़ है लेकिन जब वो सूर्य चला जाता तो हम हजार बल्ब जलाते हैं जब वो आता है तो हम सारे बल्ब को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे सामने गुरु के रूप में एक प्रकाशमय चीज़ होती है गुरु ऐसा ही प्रकाश है जो सामने होता है तो हमें लगता है कि हम उससे हीन हैं हम उससे छोटे हैं इसलिए सागर के सामने पर्वत के सामने प्रकृति के सूर्य चंद्र के सामने हमें लगता है हम छोटे हैं हम कोशिश करते हैं तक पहुँचने की ज़रा भी पहुंच पाते हैं जो लोग फिर भी हमें देखते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा अंश तो है उसके प्रकाश का इसलिए गुरु का स्तर हमेशा देने वाला हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले के हाथ हैं लेकिन पहुंचता वहीं है जहाँ ढलान होती है जहाँ झुकाव होता है जहाँ झुकाव नहीं होगा हृदय का वहाँ पर गुरु की शिक्षा गुरु का ज्ञान गुरु की सोच आप तक नहीं पहुँच पाएगी कि किस किस तरीके से यहाँ तक पहुँचनी चाहिए कभी कभी ऐसा भी होता है माली अपने बगीचे को सींचने के लिए जाता है और पानी नहीं होता उसकी अंजलि में थोड़ा पानी होता है वो प्यासा है पीने के लिए अपने मुंह में डालना चाहता है लेकिन सामने देखता है उसका लगाया हुआ पौधा सूख रहा है तो उसके मन में विचार आता है कि इसे मुंह में ना डाल के उसी को डाल दूं क्योंकि मेरा लगाया हुआ पौधा है सूख ना जाए ये गुरु है क्योंकि उसके सानिध्य में आए हुए हर शिष्य को वो चाहता है वो पल्लवित रहे उसकी प्यास बुझे वो सूखने ना पाए आपके भाव विचार अभिव्यक्ति हमारे नृत्य में हैं भाव और साहित्य में भी भाव विचार और अभिव्यक्ति जैसे भाव होंगे वैसे विचार होंगे विचार से भी भाव बनते हैं मेरे विचार आपके प्रति हैं तो भाव भी अच्छा होगा लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है वो चाहे कलम का हो चाहे नृत्य का हो चाहे संगीत का हो चाहे साहित्य का हो कोई ना कोई माध्यम ढूंढती है उस माध्यम से जब उसे अभिव्यक्त करते हैं तो उसकी कृपा जब तक नहीं होती तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाता है और उसकी कृपा बनी रहे इसलिए हम उसकी तार को तोड़ते नहीं हैं हमारे नृत्य संगीत इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है आप वैसे नकल करें तो लोग कहते हैं नकल करिए हम गुरु की नकल करते हैं तो हमारे अंदर उनके भाव आ जाते हैं उनकी चीज़ आ जाती है और उनके भाव की चोरी करें तो हम चुरा के उसको अपना बना लेते हैं तो उसमें चोरी और भाव दोनों चीज बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी है कहीं नकारात्मकता नहीं है सकारात्मकता है दूसरी बात यह है कि कई बार हम सोचते हैं ये पक्षपात तो नहीं है ये पक्षपात बिल्कुल नहीं है एक गुरु के सानिध्य में कितने शिष्य लोग आते हैं पढ़ते हैं चले जाते हैं वो बराबर देता है जैसे सूर्य सबको बराबर रोशनी देता है ये आपके ऊपर है कितना ग्रहण करें किस भाव से ले मैं भाव की बात करी थी किस भाव से लेते हैं और किसी किस अभिव्यक्ति से आप उसे सामने लाते हैं मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा मेरी मम्मी साहित्य रत्न कर रही थी तो एक बार बीमार पड़ी तो मैंने उनकी पुस्तक उठा के पढ़ी और जयशंकर प्रसाद जी थे उनके पेट कवि शशि मुख पर मैंने उस पचास साल के बाद अभी शायद आज पढ़ रही हूँ शशि मुख पर घूग डाले आँचल में दीप छुपाए जीवन की इस गोधूली में तुम कौतूहल से आए माना वो छलना थी मर उस पर मेरा विश्वास घना था उस माया की छाया में मैं स्वयं सत्य बना था मैंने सोचा ये भी लोग होते हैं जो विचारों को कितनी अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं हम तो साहित्य को साइंस से बहुत छोटा समझते थे और शनि शनि जब इस साहित्य का मेरी सोच में समावेश होता गया तो मैं गुरु जी के सानिध्य में जब होती थी हमारे नृत्य का भी साहित्य होता है एक छोटा सा पद सुनाती हूँ कहते कर के कंगन करक गए और गुरु जी का लिखा हुआ है का से शुरू है का में खत्म है और कवित कहते हैं जो नट लयब होता है कर के कंगन करक गए कित घटत नट नागर गिधर गिरधर किधर गए कर के कंगन करक गए कित गजत नट नागर किधर गिरधर किधर गए मुकुटधर दिन रैन रटत राधा नट नगर को धा नगर को धा नगर को धा धा नगर को धा नगर को धा धा ऐसे बीसियों चीजें हैं मैं गुरु की महिमा बता रही हूँ तो मैं अपने गुरु के साहित्य की महिमा बताती हूँ उस मैं बिल्कुल ज़ीरो थी साहित्य में और अभी भी लिखना मुझे इतने अच्छी तरह हिंदी नहीं आता कमलनी जी लिखती हैं इनका राइटिंग भी बहुत अच्छा है मैं बोलती हूँ एक तो जब आपने ज़िक्र किया अठारह हज़ार फीट की हाइट पे जब हमने कैलाश मान सरोवर नृत्य किया गुरु पूर्णिमा थी और बहुत मठाधीश बैठे थे मेरे गुरु भी थे पूर्ण चंद्र निकला हुआ था सूर्य जैसा प्रतीक हो रहा था सुनिएगा मैंने कुछ पंक्तियाँ गुरु को समर्पित लिखी हैं बेवफा ना कहे बाफा को ज़माना बहुत वफ़ादार होता है गुरु नहीं होते हुए भी आपके साथ होता है वो एक ग्रह है उसको साधना आपका काम है बेवफा ना कहे बा वफा को जमाना तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया हम ठोकर खाते हुए सड़क के पत्थर थे हमारे गुरु ने हमें तराश के उस लाइक बना दिया पूजनीय तो होता है कि एक जना मंच में नृत्य करा और हज़ारों तक आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है दूसरे तक पहुँच पाए कुछ और सुनाती हूँ उसके बाद हाँ अब मैं अध्यात्म की बात कर रही थी एक ओशो जी का प्रोग्राम था उसका शीर्षक था आगाज़ मैं स्पॉन्टेनियस बहुत लिखती हूँ तो मैंने कहा आगाज़ उसमें था नृत्य में वो तुम्हारे साथ होता है मैंने कहा नृत्य में तो तब साथ हो जब हम नाचेंगे सुनिए नाच से शुरू है पाओगे उसे तो तुम नाचोगे और नचाओगे भी उसके आने से नृत्य होता है वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे जब वो वो नहीं रहेगा तुम तुम नहीं रहोगे जब तुम और वो एक हो जाओगे तुम्हारी कलम में तुम्हारी वाणी में तुम्हारी लेखनी में तुम्हारे नृत्य में उसका आभास होगा और यही आगाज़ होगा ये इसलिए मैंने आपको बताया एक गुरु के सानिध्य में सब लोग रहते हैं लेकिन उसका आभास जब तक आपकी वाणी में नहीं होगा आपकी लेखनी में नहीं होगा तब तक उसका आगाज़ नहीं होगा यहीं से आप अलग हो जाते हैं एक ही जगह भोजन बनता है खाते सब लोग हैं स्वाद सबका अपने अपना है लेकिन अच्छा कैसे लगा उसकी अभिव्यक्ति की किसी को बहुत अच्छा लगता है कोई उसको बता ही नहीं पाता किसी को स्वाद का मतलब ही नहीं पता होता तो अच्छे के लिए भी आपके अच्छे शब्द निकले सोच अच्छी हो और उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो यही एक समाज चाहता है आपका तो ये शिक्षा का मेन विषय ही है देखिए शब्द और स्वर शब्द वही रहते हैं पुस्तक में बंद रहते हैं जब तक उसका स्वर का माध्यम न मिले एक पुस्तक से भी जब लेक्चरर पढ़ाती हैं तो शब्द का आदान प्रदान होता तब तक आप तक पहुंचते, हैं नहीं तो शब्दों की इतनी है आप पूरे हॉल में बड़ा बड़ा लिखा होगा सिर्फ आप पढ़ पाएंगे लेकिन स्वर जब उसको मिल जाता है स्वर का सहारा बहुत दूर तक पहुँच जाता है करके और स्वर में भी जब भाव हो वो बोलते हैं स्वर वही रहें भाव अलग हो जाए मैं आपसे कहूँ तुम जाके तो तु देखो बोलेंगे मुझे कह रही है जाने के लिए थोड़ा रुक जाते हों मैं तुम जाके तो देखो वह शब्द वही है तुम जाकर तो देखो तुम जाकर तो देखो आप कहें अच्छा मुझे कह रहे हैं जाके तो क्या होता है नृत्य साहित्य संगीत ये आपको समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है आप कई बार शब्द भी निरर्थक हो जाते हैं गाड़ी चला रहे हैं गुस्से में यूं देखा उसने भी आपको देखा दोनों में आंखों से ही गाली हो गई आगे निकल गए वो जम्स लेके आए अपने ऑफिस में कॉलेज में स्कूल में घर में जहाँ पहुँचे वहाँ पहला दिए तो अभिव्यक्ति भी बहुत एक सशक्त माध्यम है तो जब आपको शब्द भाव और अभिव्यक्ति तीनों मिल जाती तो बहुत ही सजग हो जाती है दूर तक पहुंचने का वो रखती है तो जो भी भी हम शब्द लिखते हैं गुरुजी हमारे कहते थे कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी बड़ी चुनिंदा होनी चाहिए किसी की बड़ी बड़ी पुस्तक हो आपके चार शब्द हैं वो आपके मायने करके चले जाएं इससे बड़ी कोई बात नहीं है इसलिए उसका सोच विचार करना उसका मंथन करना बहुत ज़रूरी है ये नहीं कि पढ़ा चले गए फिर किसी दूसरी दुनिया में चले गए जो इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे आए हैं वो उसको अपना बना के जिए हैं अपना बना के रखे हैं तभी वो उसका हो पाया है आप सोचें कि गोपाल कहीं हम कहीं लेकिन किस तरीके से उस निराकार को आकार देके कलाकार साकार कर देता है प्रभु निराकार है कला भी निराकार है उसको हम आकार देते हैं मन से भाव से और उसको साकार कर देते हैं मंच में जब नृत्य करते हैं या बोलते हैं या आप लेखनी से भी करते हैं आपका विचार है विचार का तो कोई भी निराकार ही है विचार तो ना उसको आप आकार देते हैं सोच से और उसको साकार करते हैं अपनी कलम से तो लोग कहते हैं अरे क्या लिख दिया इसने समझ में नहीं आया मैं डेली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम करी थी जब पहली बार सोनामी आया था और जनवरी का मंथ था विवेकानंद जी का स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन का अवसर था मैं तब कैलाश मानसरोवर से 2003 की बात बता रही हूँ आई आई थी शिव मनी था मेरे साथ ड्रमर uh, तो कहता अक्का आई विल ऑल्सो बी विद यू टू गिव माई ले among अमंग द हमें हमने कहा हम पैसे इकट्ठा करके और इसके लिए भेजते हैं तो मंच में थोड़ा ऑडियो विजुअल का तैयारी चल रही थी गुरुजी ने मैं गुरु की बात बता रही हूँ उनकी तो लानत भी बहुत बड़ी होती है वो अगर कहते कर दो इतना हमें सुनने की आदत हो जाती है आप फौज में देखिए आई एम फ्रॉम द फौजी फैमिली वो कमांड कहते हैं वो गलत भी कहेंगे तो वो उठा के फायर कर देगा इतना अपने माइंड को हम लोग ट्यून रखते हैं गुरुजी ने कहा और हमारा हाथ पैर वहीं चल पड़ा एक जिसे कहते हैं ना एक बंधन है जिसका कोई डोर नहीं है कोई उसका छोर नहीं है लेकिन वो बंधा हुआ है सारे आपको रिश्ते मिलेंगे ईश्वर के दिए हुए लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो है वो आपकी अपनी बनाई हुई है और आपको मिली है संस्कार वश ये अंत तक रहती है आपके साथ और किसी भी संबंध में दो बात बहुत विशेष होती है एक कर्तव्य और एक अधिकार हम अधिकार ढूंढते हैं अपने सब संबंध में और ज़्यादा अधिकार हम ढूंढते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए संबंध बनाए जैसे आप ब्लड रिलेशन कहते हैं लेकिन फ्रेंड्स क्यों अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें संबंध से हमारे क्या हमें करता क्या कर्तव्य है वो हम पहले सोचते हैं अधिकार नहीं सोचते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा में हम पहले अपना कर्तव्य गुरु के साथ सोचते हमारा क्या कर्तव्य है अधिकार तो मिल ही जाता है वो आपको सर्फ सर्फ प्रिया बना के चला जाता है अपनी गद्दी आपको दे के चला जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सांसारिक गद्दी नहीं मन की गद्दी अगर उसने दे दी तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पूजेंगे कलाकार साहित्यकार खाली हाथ जाता है भरे हाथ आता है और सब लोग हैं भर भर के ले जाते हैं एटीएम पता नहीं कहाँ कहाँ के कार्ड और फिर उसमें कुछ करप्शन करके कुछ ये नहीं चला वो नहीं चला दूसरों से दुखी हो आते हैं अपने साथ दी हुई ईश्वर की दौलत जो है ना वो अंत तक आपके साथ रहती ये सोच के चलिए अगर आपको एक अक्षर भी बनाया गया आप बताया गया है उससे आपको सौ अक्षर बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि वो एक अक्षर की भी व्यक्तित्व रहे उसकी भी एक पहचान रहे और आपके सौ भी उससे उठे हुए आगे आए तो जब गुरुजी ने मुझसे कहा जाओ मंच में कुछ बोलो सुनिए मैंने छोटा सा लिखा है सोनामी पे शायद आपको अच्छा लगेगा समुद्र को संबोधित करके कहा उस तब समुद्र का पीछे वो चल रहा था अकेलापन लगता है तुम्हें भी खलने लगा है नदी में तो आपको बहुत स्नान या आचमन पूजा करते मिलेंगे कभी एकांत में जाए तो समुद्र आपको बहुत अकेला लगेगा अकेलापन लगता है तुम्हें भी खलने लगा है इसलिए आगोश में सभी को अपनी भरने लगा है ना समझी थी तुम्हारी महफिलें यूं सजा नहीं करती मुर्दों से शमशान बनते हैं बस्तियां कभी बसा नहीं करती कहते हैं तू तो दरिया है मगर प्यासा है तू दरिया है मगर फिर भी प्यासा है तुम समुद्र हो के भी प्यासे हो ये तो सुना था हमने तुम समुद्र हो के भी प्यासे हो ये तो सुना था हमने मगर भूखे भी उतने हो ये हमने आज जाना फिर ना कभी ऐसी गलती करना नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व बिखर जाएगा इतने बहते आंसुओं से तुम सा एक और बन जाएगा समुद्र भी खा रहा आंसू भी खा रहे अकेलापन लगता है तुम्हें भी खलने लगा है इसलिए आगोश में सभी को अपनी भरने लगा है ना समझी थी तुम्हारी महफिल यूं सजा नहीं करती मुर्दों से शमशान बनते हैं बस्तियाँ कभी बसा नहीं करती तुम समुद्र हो के भी प्यासे हो ये तो सुना था हमने मगर भूखे भी उतने हो ये हमने आज जाना फिर ना कभी ऐसी गलती करना नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व चुनौती है फिर तो तुम्हारा अस्तित्व बिखर जाएगा इतने बहते आंसुओं से तुम सा एक और बन जाएगा तो गुरु कृपा जो है जिसे आप कहते हैं ना एक जगह पावर आ गई चाहे आप बल्ब जलाइए चाहे टेप रिकॉर्डर चलाइए चाहे म्यूज़िक सिस्टम चले कुछ भी चलाइए चलेगा तो उस पावर को अर्जित करना और उस पावर से कनेक्टिविटी रखना वो एक कॉर्डलेस कनेक्टिविटी है इसका सानिध्य आपको मिलता रहे आप प्रसन्न रहें करते रहें एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे गैदर द नॉलेज फ्रॉम एनी वेयर बट ट्राई टू सर्व योर ओन नेशन योर नेशन नीड्स यू हम एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ से बाहर जाता है हम साइंटिस्ट खो देते हैं एक इंजीनियर जाता है इंजीनियर खो देते हैं लेकिन एक कलाकार और साहित्यकार जाता है तो हज़ारों कलाकार साहित्यकार बनाता है मैंने तो ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज लेडन यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर्स किंग मेडिकल कॉलेज लंडन स्कूल ऑफ एक्नॉमिक्स हैरो स्कूल ऐसे दुनिया भर के सारे स्कूल्स कॉलेज में किया मैंने ये पाया जो विद्यार्थी वो जिज्ञासु हैं लेकिन उनकी जिज्ञासा की उनकी तृष्णा को तृप्त करने के लिए भी कोई माध्यम चाहिए और माध्यम वो हो जो उनके अनुकूल हो एक थ्री बीयर्स की कहानी थी ना वो दिस पॉट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मी दिस बेड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर मी जब वो एंटर कर गया था ना तो उनको लगे कि ये चीज़ उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है तो गैदर द नॉलेज फ्रॉम एनी वेयर ट्राई टू सर्व योर ओन नेशन बिकॉज योर नेशन नीड्स यू आप बाहर यहाँ से पढ़ के यहाँ का सीख के यहाँ का ज्ञान हासिल करके एक अच्छे नागरिक बन के बाहर चले जाते हैं और बाहर की गंद यहाँ आ जाती है जैसे एक नदी में बाढ़ आती है ना तो यहाँ पे सारी गंदगी इकट्ठी हम देखिए मर्यादा से जो भी हटता है ना वो पूजनीय नहीं होता चाहे वो शिष्य की मर्यादा हो चाहे वो गुरु की मर्यादा हो हम नदी पे जाते हैं पूछते हैं सब करते हैं ना लेकिन जब वो अपनी मर्यादा को लांग के बाढ़ के रूप में हमारे दरवाजे में आ जाती है जाओ जाओ इसको हटाओ जा उस दर हम थाली लेके पूजा नहीं करते अपनी चौकट में कि नदी आ गई है लाओ यहाँ पूछते नहीं वो मर्यादा को लांग के आई है तो अपनी मर्यादा में रहना अपनी भारतीयता में रहना अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और अपने आप से जुड़े रहना कला साहित्य संस्कृति आपको अपने आप से जोड़ती है मैं दो पंक्ति से एंड करती हूँ हम बहुत से ख्वाब देखते हैं और वो सुबह होते चले जाते हैं संस्कृति जो हमारी अपनी है उसमें हम रचे बसे रहें जो हम सामने देखते हैं जाइए देखिए ज़रूर करिए दुनिया भर में जाइए देखने का तो आनंद अलग है लेकिन जो हमारी अपनी चीज़ है वो हमारी अपनी चाहे वो हमारा स्कूल हो कॉलेज हो हमारी अपने अध्यापक हो हमारे मदर हों हमारे फादर हो, जो भी हूँ वो हमारा अपना है संस्कृति हमारी अपनी जो हर हम दूसरी पाश्चात्य देख रहे हैं वो हमारी नहीं है और जो आपकी नहीं है वो तो आपकी कभी है ही नहीं और जो आपकी है वो अपने से रुष्ट हो जाएगी उस पर दो पंक्ति हैं शहर की आड़ में सपना चला गया गैरों की चाह में अपना चला गया हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था कहाँ चला गया इतनी बुरी तरीके से लुप्त होगी आज तो आपके ही हिंदी पढ़ने वाले बोलने वाले लिखने वाले लोग मिल भी जाते हैं एक समय वो बिल्कुल म्यूजियम की भाषा हो जाएगी जैसे संस्कृत को कोई नहीं जानता मैंने कल यही अपने व्याख्यान में कहा था पूरे महीने में अगर हम चार शब्द भी संस्कृत का बोल बोल चाल में क्योंकि व्यावहारिक भाषा नहीं है संस्कृत तो कम से कम हमारे पास कुछ तो खजाना होगा जिससे हम पढ़ सकेंगे देख सकेंगे बोल सकेंगे और हम कह सकेंगे हम सुसंस्कृत है है ना जब तो संस्कृत नहीं हमारे पास होगी तो हम सुसंस्कृत नहीं हैं तो ये सोच के बहुत अच्छा लगा आपके पास आना और मैंने अपने और कमलनी जी के लिए एक छोटा सा परिचय लिखा था कंचन देहसी कामनी अरूपकटी लता नि संधे मृगनैनी नलिनी कमलनी दोए तो देट वॉज़ माईनेल पैटर्न फॉर यू और हमने शुरू किया था परंपरा से ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरण मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अभी जब लोग हमें गुरु कह के संबोधित करते हैं तो मुझे लगता है एक की डाली कब झुकी और एक दूसरा वृक्ष निकल आया और हम उसमें छाया देने लायक दूसरों को हो गए और यही परंपरा है आप इस परंपरा में जिए गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए भाव रखिए मूर्ति में भी कुछ नहीं है लेकिन पत्थर को भी पूछते हैं तो आपको उसमें ईश्वर नजर आते हैं गुरु प्रतिनिधित्व करता है इस धरातल में ईश्वर का और उसको उस ध्यान से देखेंगे तो वही शक्ति वही भाव वही आराधना वही साधना आपको देती रहेगी क्योंकि लेने वाला चाहिए देने वाला तो गंगा गोमुख से बहती रहती है दृषित आप ही करते हैं ख़राब आप ही करते हैं याश्मन आप ही करते हैं वो आपकी सोचों से कैसे ढाल दे आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी आशा के साथ जिसका डर था वही बात हुई तन्हा सफ़र और महफिल साथ हुई जब चंद लम्हा रह गए ज़िंदगी के तब जाकर ए ज़िंदगी तो उससे मुलाकात हुई हम मुलाकात चंद लम्हा जब आके गुड बाय का समय होता है तब हम ख़ुद को जान पाते हैं जीना चाहते हैं पर उस समय भी हमको कितनी चीज़ मिल जाए लेकिन ज़िंदगी के दिन गिने चुने होते हैं क्यों ना हर पल जिए अच्छाई में सोच में और जिस धारा पे चढ़े हैं उसमें हम इतनी अच्छी तरीके से जाएं कि दूसरों के लिए एक उदाहरण बने लोग हमसे सीखें हम दूसरों से सीखें और अपनी पहचान बना के अग्रसर हों नमस्कार जय हिंद